वेल हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बॉलीवुड दिस वीक। बट फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं सलमान खान की फिल्म भारत के सिक्स डे यानी कि डे सिक्स के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में इन द कंट्री ऑफ इंडिया। वेल फ्रेंड्स, जब मैं कल रात को प्रेडिक्शन एपिसोड में आया था, आई ट्राई टू बी एज ऑनेस्ट एज पॉसिबल इन माई प्रेडिक्शन। मुझे अच्छा नहीं लगता आप लोगों को एक ऐसा ख्वाब दिखा दूं जो कि पूरा नहीं हो सके। इसीलिए कल का जो प्रेडिक्शन था वो 10.5 से 11.5 करोड़ था, लेकिन गाइज बहुत जगहों पर कहीं आपने 12 से 13 सुना होगा, एक चमन ने तो 18 से 20 करोड़ का प्रेडिक्शन दे दिया। बट फ्रेंड्स, ये अभी इसके वीकडेज है गाइज, वीकडेज पे ये फिल्म उतना नहीं कमाने वाली। कल ये मैंने आपको कहा था शाम तक यहाँ पर यू नो ट्रेड ने इसको डबल फिगर्स में डिक्लेयर कर दिया था कि ये फिल्म कल कैसे भी कैसे 10 करोड़ के ऊपर जाएगी। वहां पर शॉकिंगली वो ट्रेड जिसको हम लोग बॉक्स ऑफिस इंडिया कहते हैं, जो 12 बजे रिपोर्टिंग करता था, आजकल 10 बजे अपने आर्टिकल रिलीज कर रहा है शेमफुली। वहां से लेके नेगेटिविटी, मेनी डिस्ट्रीब्यूटर्स हु हैव टर्न्ड सेल्फ यू नो क्या बोलते सेल्फ क्रिटिक्स आजकल ट्विटर पे, वो इस फिल्म को इतना अंडर रिपोर्ट कर रहे हैं कि गाइज अब इस फिल्म की नेगेटिविटी एक अलग लेवल पे चली गई है। लेकिन गाइज हमें इससे कोई लेना देना नहीं। मैंने कल ही आपसे कहा था कि फ्राइडे ये फिल्म 22 करोड़ रुपए कमाई है, अगर ये इसका 50% भी कमाती है देन इट्स एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। लेकिन गाइज जो ड्रॉप है फिल्म का वो उससे ज्यादा आया है। भारत को मंडे यानी कि सिक्स डे को 10 करोड़ के ऊपर कैसे भी कैसे कमाना ही था, लेकिन गाइज अनफॉर्चुनेटली इट्स अ सैड स्टोरी, भारत डिड नॉट अर्न मोर देन 10 करोड़ ऑन इट्स सिक्स डे। जो सच है वो सच है, भारत ने अपने सिक्स डे पर सबको निराश किया है। जहां पर इसे एटलीस्ट 10 करोड़ के ऊपर ही कमाई करनी थी, वहां पर इस फिल्म ने 9.20 यस फ्रेंड्स 9.20 करोड़ की कमाई की है। और इसी के साथ भारत का जो ग्रैंड टोटल होता है गाइज वो है 159.30। ये अकॉर्डिंग टू सलमान खान स्टैंडर्ड्स डिसअपॉइंटिंग है, लेकिन अगर बात करें तो इसने अक्षय कुमार के जिंदगी की हाईएस्ट ग्रॉसिंग हिंदी फिल्म यानी कि केसरी का लाइफ टाइम कलेक्शन सिर्फ 6 दिनों में बहुत ही पीछे छोड़ दिया है। एंड गाइस अभी केसरी को बीट करते हुए ये 2019 की सेकेंड हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म बन गई है। ऑब्वियसली नंबर वन उरी द सर्जिकल स्ट्राइक है, सो अकॉर्डिंग सलमान खान स्टैंडर्ड्स द कलेक्शन आर नॉट दैट एप्ट फॉर अ मंडे। लेकिन अगर हम ओवरऑल देखें इस फिल्म को देन दीज आर कलेक्शंस विच मेनी स्टार्स cannot achieve in the matter of 6 days। यही है सलमान खान का मेगा स्टारडम, उनका स्टारडम सर चढ़कर बोल रहा है। और इसी का कारण है कि बड़ी बड़ी फिल्में जो फ्राइडे को यस फ्रेंड्स फ्राइडे को 9 करोड़ के कलेक्शन करती है 9.20 और जो मंडे को 3 और 2 पे गिर जाती है, वहां पर भारत जो कि एक प्रॉपर मंडे नहीं होने के बावजूद 5वें दिन के बाद वाला मंडे को 9.20 करोड़ कमा रही है, इट इज एब्सोल्युटली अमेजिंग। ये जो एक्सपेक्टेशन है फैंस की, सलमान खान का मेगा स्टारडम है, वो इकलौता एक्टर जिसने पूरे इंडिया में कंजेक्यूटिव 1400 करोड़ फिल्म्स दी है, सिर्फ बॉलीवुड में नहीं बल्कि पूरे के पूरे इंडिया में उनका जो स्टारडम है, इसी एक कारण है कि आप लोगों को ये जो कलेक्शन है 6 दिनों में 159.30 करोड़ वो थोड़े कम लगेंगे। लेकिन अगर हम नेचुरल स्टैंडर्ड से बात करें तो दीज आर माइंड नंबिंग फिगर्स, पीपल वेट टू अर्न सच अमाउंट ऑफ मनी इन देयर लाइफ टाइम और जो भी अचीव नहीं कर पाते हैं। अकॉर्डिंग टू दैट दिस फिगर्स आर सुपर्ब। अब गाइज ट्यूजडे वेडनेसडे थर्सडे ये 3 दिन बचे हैं इस फिल्म के पास, अगर 3 दिन में ये फिल्म सस्टेन करती है तो कहीं ना कहीं गाइज इसका जो वीकेंड है वो 180 करोड़ पे खत्म होगा। यानी कि इस फिल्म के जो 9 दिन है यानी कि वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे थर्सडे 9 दिन में ये फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस पे 180 करोड़ कमाने में कामयाब हो जाएगी। उसके बाद उसका जो दूसरा वीकेंड आएगा यानी कि फ्राइडे सैटरडे संडे, वहां पे फिल्म हर दिन डबल डिजिट कमाने की कोशिश करेगी और कहीं ना कहीं अपने यू नो 12 दिनों के बाद ये फिल्म आराम से 200 करोड़ क्लब में एंटर कर लेगी। उसके आगे कहां जाएगा ये तो वक्त ही बताएगा और वर्ल्ड कप डिसाइड करेगा। अभी तक फिलहाल भारत इज ऑन ट्रैक, डिसेंट बिजनेस कर रही है, जितना ड्रॉप नॉर्मल फिल्म्स को होता है उतना इसे मिल रहा है। ऑब्वियसली स्कूल्स ओपन हो चुकी है, ईद अभी नहीं है और इसी का कारण है 6 दिनों में भारत हैज अर्न 159.30 करोड़ रुपीज। रात को जब मैं प्रेडिक्शन एपिसोड लेकर आता हूँ, मैं जितना यू नो मेरे दिल से मैं चाहता हूँ कि मैं आपको ऑनेस्ट प्रेडिक्शन दूँ, इसीलिए जो है वो बताता हूँ। ओके गाइज साइनिंग ऑफ, टू गॉट सी मी वेरी सून, टिल देन एज ऑलवेज स्टे कूल मैन।